तो वही दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कीर्ति इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। एक छोटी सी कंपनी है, अभी पेनी स्टॉक है दोस्तों, जो अब तक का करीब 9000% का रिटर्न दे चुकी है। इसमें आप 5000 लगा सकते हैं, जो आपका कुछ समय बाद 25000 बना सकता है दोस्तों। तो इससे पहले आइए शुरुआत करते हैं इसका मार्केट कैप से। इस कंपनी का मार्केट कैप क्या है दोस्तों? स्वागत है आपके इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो कीर्ति इंडस्ट्री है, इसका जो फिलहाल मार्केट कैप चल रहा है दोस्तों, इसका मार्केट कैप देख रहा है 109 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और करेंट प्राइस कंपनी का भी 136 रुपये कंपनी का करेंट प्राइस चल रहा है दोस्तों। कंपनी ने हाई बनाया 229 का हाई बनाया, और लो बनाया 119 का कंपनी ने लो बनाया दोस्तों। कंपनी का जो बुक वैल्यू है करीब 109 रुपये कंपनी का बुक वैल्यू है। और ये जो कंपनी है अब तक डिविडेंड दे दी के 1.10% का डिविडेंड यील्ड कंपनी का है। क्योंकि पेनी स्टॉक में डिविडेंड यील्ड देखने को कम मिलता है दोस्तों, लेकिन यहाँ एक कंपनी ने 1.10% का डिविडेंड ने दिया है दोस्तों। कंपनी का आरओसी है 22.8%। क्योंकि कंपनी का आरओसी कम से कम दोस्तों 25% कंपनी का आरओसी होना चाहिए दोस्तों। कंपनी का 25% का आरओसी तो होना ही चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं 22% कंपनी का आरओसी है दोस्तों, जो खराब नहीं है क्योंकि पेनी स्टॉक है। कंपनी का फेस वैल्यू दोस्तों 10 रुपया, आप देख सकते हैं कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया दोस्तों। आइए चलते हैं कंपनी के सेल्स को देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी का अगर सेल्स अच्छा दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ ये कह रहा है कि कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो अपना इंटरेस्ट रेशियो कवरेज है वो फिलहाल लो चल रहा है दोस्तों। यहाँ दिख रहा है चूंकि पेनी स्टॉक है ना, कंपनी हैज डिलीवर ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.74% ओवर 5 ईयर। मतलब पिछले 5 सालों में जो कंपनी का जो सेल्स है दोस्तों वो घटा है। 4.64% तक कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 वर्षों में दोस्तों घटा है दोस्तों। चलिए सेल्स पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी का जो सेल्स है आप देख सकते हैं किस प्रकार कंपनी का जो सेल्स बढ़ रहा है। जो कंपनी का सेल्स करीब 2012 में 176 करोड़ का था, जो अब जाके मार्च 2022 में करीब 250 करोड़ कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं किस प्रकार कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो दोस्तों बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है ये बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए जो कंपनी का एक्सपेंस है, कंपनी का जो एक्सपेंस 136 करोड़ था 2012 में, वो जाके अब 219 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस हो चुका है। सबसे अच्छी बात यह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का घटा है, बढ़ा है, घटा है और बढ़ा है, मतलब पंप एंड डंप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों इसको चलते हैं, इसका देख लेते हैं रिजर्व। कंपनी का देखना रिजर्व, कंपनी ने का रिजर्व है कि नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के पास रिजर्व होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंपनी का रिजर्व किस पर्पज के लिए ये आप देख लीजिएगा। देखिए जो कंपनी का जब 36 करोड़ शुरू हुआ था, जो कि अब जाके जो कंपनी का रिजर्व है दोस्तों, देख सकते कितना झकास का रिजर्व है। जो कंपनी का रिजर्व हो गया है करीब 80 करोड़ कंपनी का रिजर्व अभी अपने पास है। कंपनी का रिजर्व टीटीएम में कंपनी का जो रिजर्व 79 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार कंपनी का रिजर्व है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लिए हैं, बढ़ी रहा कंपनी का रिजर्व देख लिए, कंपनी का डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड किया दोस्तों। चलते हैं हम लोग moneycontrol.com पर, मैंने पहले से खोल रखा है। देखिए दोस्तों, कंपनी ने अब तक का जो डिविडेंड है कंपनी ने झकास का डिविडेंड प्रोवाइड किया। देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड किया। कंपनी ने डिविडेंड दिए करीब 2018 से 0.90 रुपीज का, मतलब 1 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया 2018 में। 2019 में कंपनी ने डिविडेंड दिया 0.90 का, 2020 में 0.90 का, और 2021 में कंपनी ने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है। और सितंबर 2022 में इस साल कंपनी ने करीब 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया है दोस्तों। देखिए पेनी स्टॉक होने के बावजूद कंपनी ने डिविडेंड दिया है, क्योंकि 105 करोड़ की कंपनी है। अब देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 105 करोड़ का कंपनी है, लेकिन फिर भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है दोस्तों। इसके अलावा देखिए बोनस, कंपनी ने बोनस के अलावा कुछ नहीं है। कंपनी में स्प्लिट अभी हुआ नहीं एक बार भी, और ये है अनाउंसमेंट अक्सर होता रहता है दोस्तों कंपनी में। देखिए अब आपको दिखाते हैं कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग FII/DII होल्डर। हम बता सकते हैं कंपनी का यहाँ पर जो FII होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एकदम नहीं है। हाँ, कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो करीब 74% के आसपास कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर 74.92% का प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में। जो FII होल्डिंग है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं सितंबर 2022 में 0.04 करीब स्टैटिक रहा, जो स्टैटिक वे में रहा है, मतलब ये कुछ ना बढ़ा ना कुछ ना घटा है, 0.04% का अब तक का इसका
बीआईआई होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हैं 25% कंपनी का पब्लिक होल्डिंग है और एफआईआई होल्डिंग यहाँ पर है नहीं दोस्तों। तो ये थी इस एक कृति इंडस्ट्री के बारे में। अच्छा लगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हम लोग। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ अभी इसका रिटर्न देख लीजिए, जो करीब 9000% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ ग्रुप पर, मैं ग्रुप यूज करता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट खोल चुका हूँ ग्रुप, पहले से खोला हुआ। यहाँ देख रहे हैं आप कृति इंडस्ट्री यहाँ पर पहले से है दोस्तों। देखिए ये है कृति इंडस्ट्री, हाँ ये है कृति इंडस्ट्री, देख सकते हैं किस प्रकार मैंने पहले से खो रखा है। अब देख सकते हैं कंपनी ने अब तक का गजब का रिटर्न दिया है दोस्तों। देखिए करीब देख सकते हैं 9960% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों। मैं आपको कहता हूँ आप अपना पैसा कम से कम 5000-10000 इसमें कम से कम लगा कर छोड़ दीजिए दोस्तों। ये आपका पैसा साल भर में 50000 बनाने में देर नहीं करेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंडस्ट्री के बारे में लोग कम जानते हैं, वो भी पैसा कमाएं, हम भी पैसा कमाएं। अच्छा लगा वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आज ही सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक जल्द पहुंचेगा।